वेलकम टू इंडियन वेजिटेरियन किचन। आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट एंड बटर स्कॉच केक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। इसे अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल, 1 कप कंडेंस मिल्क और 1 कप दूध। अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो और एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। अब मैं इस बैटर को 2 भाग में डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि हमें इसमें 2 फ्लेवर देने हैं। एक फ्लेवर हम देंगे बटरस्कॉच का और एक फ्लेवर होगा चॉकलेट का। चॉकलेट फ्लेवरिंग के लिए मैंने ऐड किया है 1/2 कप कोको पाउडर और इसे अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बटरस्कॉच फ्लेवर, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। हमारे दोनों बैटर रेडी हैं। अब मैंने बेकिंग डिश को ग्रीस कर लिया है ताकि हम इसमें बैटर को पोर कर सकें। अब मैंने चम्मच की मदद से इसे अलग अलग पैटर्न में पोर कर लिया है ताकि इसमें डिफरेंट शेड आए। टूथपिक की हेल्प से मैंने इसमें हार्ट शेप बनाया है। आप इसे जिगजैग शेप भी दे सकते हैं। कुछ नट्स से इसे गार्निश कर लीजिए या तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम केक को बेक कर लेते हैं 180 डिग्री पर 40 मिनट के लिए। हमारा केक रेडी हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। इसी तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।